Hello guys, we are back with a fresh new video for a special segment, The Co-Star Story. And this time, it's the adorable jodi Bihan and Thapki of your favorite show, Thapki Pyar Ki. Let's hear from them what they have to say about each other as co-stars. First of all, Thapki shuru hone ke baad, ye jo journey rahi hai hamari, usme I'm seeing him growing. And so dedicated, and in fact pehle hum dono ki thodi si tha kyunki I think shuru mein kafi punctual rahe but beech mein kafi thak jate the to thoda bahut 10-15 minute late ho jata tha, but yes, now I'm learning from him that how to be on time before timing. In fact 6 baje ka call time hai to 5:40 pe hi aake aaram se room mein, so it's nice, and I see him very dedicated, and in fact I am learning from him ki agle din अगर कोई सीन होता है, बड़ा सीन होता है, तो ये पहले ही उसके स्क्रीन पे उसकी स्क्रिप्ट सब कुछ पढ़ के रखते हैं, जिससे यू नो अगले दिन बेटर परफॉर्म कर पाएँ. या ये समझें ऐसी सेम चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा, ऑफकोर्स शी इज़ सो आई मीन मैं हम दोनों की तो बहुत पहले से ही है जर्नी, काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, आज से 3-4 साल पहले ही, तो देखा है हम दोनों ने, काफ़ी एक साथ काम सीखा है. लाइक दोनों उस टाइम न्यू फ्रेशर्स थे, उसके बाद कैसे वो 6 महीने वहाँ छोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, फिर 1 साल का ब्रेक, तो चलो आई वॉज तो किस तरह से हम लोग जाते थे सेट पे, मतलब आई कांट टेल यू किस तरह से बाइक पे बैठकर बाइक पे लाइंस लेते जाते थे, यू कांट बिलीव हम लोग बाइक्स पे लाइन लेते थे. आई मीन जब जयपुर में थे तो हम लोग सीन वही मेरी आदत है, एक दिन पहले से अच्छा कोई बड़े सीन हो या फिर कुछ भी ऐसे सीन हो जहाँ आपको लगता है कि हाँ बेटर, तो आप पहले से स्क्रीन और स्क्रीन प्ले वगैरह और स्क्रिप्ट वगैरह ले जाओ, तो मैं वही करता था. उस टाइम भी मैं ले जाता था और ये पीछे मैडम ये पढ़ती जाती थी, मैं गाड़ी चलाता रहता था, तो हम लोग लाइन्स लेते, मतलब उस टाइम हम फ्रेशर थे बहुत ज्यादा, हमको ऐसा मतलब था कि अब करते हैं यार चलो, आज इस पोजीशन पे आके मतलब यू वोंट बिलीव, मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती. साथ में कई बार बात करते हैं तो पहले की बातें इतना याद आती हैं कि किस तरह से मतलब दिस जर्नी स्टार्टेड एंड वी आर ऑन दिस सेम स्टेज ऑफ दिस जर्नी एंड इट फील्स वेरी नाइस एंड स्पेशल. इट इज वेरी केयरिंग, नॉट इवन फॉर मी, फॉर ईच एंड एवरी आर्टिस्ट ऑन सेट, आर्टिस्ट टेक्नीशियन एवरीबॉडी, आई हैव सीन दिस. एंड फॉर हर आई वुड से कि सीरियसली ये भी बहुत भाई से वैसा वाली सिचुएशन हो गई. नहीं तो ओके बता, ऐसा किस बोला तुमने, बोला कि ये भी बहुत नहीं प्लीज करो ना तारीफ, 4-5 साल बाद. आई मीन शी इज सो अंडरस्टैंडिंग, अगर आप कभी भी कोई सीन कर रहे हो लाइक कभी भी लास्ट मोमेंट हम लोग को स्क्रिप्ट मिलती है कुछ भी होती है, लाइक एज सच मैंने बताया कि मैं हमेशा मुझे पहले से स्टोरी स्क्रीन प्लेस पड़े हुए होते हैं, तो कभी अगर कुछ सीन्स में ऐसा होता है जहाँ मुद्दे से तो कुछ होता है तो मैं बताता मैं कोशिश करता हूँ उनको समझाने की, बट एट्स मतलब शॉर्ट नोटिस में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं उसको पूरी वो समझा पाऊँ ब्रीफिंग, क्योंकि हमारे सर भी एक्चुअली सर भी हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग आपस में खुद का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं साथ में रिहर्स कर सकें, और क्योंकि जब तक हम लोग को शिफ्टिंग का टाइम मिलता है तब तक हम लोग रिहर्स कर लें, बट अनफॉर्चुनेटली कभी मेकअप हो रहा है या क्या हो रहा है, कोई मेकअप रूम से लेटा है हम लोग की बने ही हो पाती, तो हम लोग शॉर्ट शॉर्ट टाइम पे उसको समझाने शॉर्ट बिल्कुल बहुत शॉर्ट पीरियड में समझाने कुछ था इसका मुद्दा ये नहीं ये ऐसे ऐसा, ताकि सर को भी ऐसा ना लगे कि बिना पढ़ाए या कुछ भी, मतलब ऐसे हम लोग आपस में फ्रेंडशिप खेलते रहते हैं, तो मैडम समझ जाती है फटाफट से, ये मेरे को काफ़ी अच्छी आदत लगती है, मतलब अभी तक है अंडरस्टैंडिंग कि जब कभी भी मुझे छुट्टी चाहिए होती है, मुझे कहीं जाना होता है, तो ये मेरे साथ डे नाइट शूट करते हैं, और इनको कहीं जाना होता है तो मैं करती हूँ, मतलब दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई फाइंड बिटवीन हिम एंड मी. ऐसी कोई बात तो है नहीं ऐसे सच, बस हंसना ही होता है कई बार कि जब इनका क्लोज होता है ना मैडम का तब फुल सीरियस, और जब मेरा क्लोज आता है तब ऐसे सॉरी अरे सॉरी का क्या करूं अभी सीन तो करने दे, सॉरी अरे मैंने क्या करूं, ही इज परफॉर्मिंग अ वेरी नाइस एंड यू नो एकदम इंटेंस सीन, और मेरे को बहुत गुस्सा था, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा था पता है जब मैं कुछ अच्छा वाला इंप्रोवाइज करता हूं उसमें, और लाइक बहुत अच्छा वाला इंप्रोवाइज करता हूं और एकदम से ये कुछ नया सुनती है तो हैं अरे मैंने क्या ये मेरे को कभी इंप्रोवाइज नहीं करने देते सर, बोलते मत बोल मत बोल तू मत बोल इसको ऐसे, अरे तू मत बोल, अरे मैं बोलता हूँ यार और पीछे से मेरे कंधे से हिलते ऐसे ऐसे हिलते, फिर हमारे कैमरामैन बोलते हैं सब बट ऐसे 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 सॉरी 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 ये चीज बात ओके अभी तो कोई इरिटेट नहीं करती, बीच में थोड़ा हो गया था कि 2-3 बार ये लेट हो गए, तो मैं सेट पे वेट कर रही हूँ बैठ के कि कब अमनीश आएगा, कब शॉट लगेगा, कब, तो अब तो मतलब इज ऑलवेज ऑन टाइम एंड इवन आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम टू बी ऑन टाइम. या बेटर
He's very caring. Very caring. Very मतलब बहुत ही ये grounded है. जैसा मतलब ये होता है वैसे ही है अंदर भी बाहर भी. That's what I have seen. मतलब बनने की कोई जरूरत नहीं है. No attitude, nothing. यह बनती है यानी ये बनती है. नहीं मतलब I like his quality ये वाली. अच्छा. Yeah. मैं भी इतना खूबसूरत लगता हूँ. मजाक कर रहा हूँ. ये इसकी है मतलब सेम मजाक वाली बोलो. बहुत सोचना पड़ रहा है. मजाक कर. नहीं 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 बात सच में सेम. ये तो मैं खुद भी करना चाहूँगा एज बिंग गर्ल. ये इतना सोचती है खाना वाना लेके आती है मेरे लिए काफ़ी सारा. हम सबकी पूरी कास्ट के लिए सब में तो बहुत केयरिंग है. तो मैं तो यही करना चाहूँगा कि खाना लेकर आना चाहोगे तुम. अरे इनफैक्ट ये मेरे महीनों तक सैलेड लाते थे पैक करवा के. सैलेड एंड एवरीथिंग. अभी कभी मैं सोचा हूँ किसी को अच्छा लगता है ले चलो रास्ते में पड़ता है. Seriously, I'm proud to have a co-star like Jigyasa Singh just because of we have a great bonding, we have a great chemistry, we have so many, I mean, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा है कि हम लोग अगर एक दूसरे से बात ना करें सिर्फ आंखों में देखें तो ही हमारी बातें एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं. Actually, yes, and even I am very proud to have a co-star like Manish Goplani because first of all the same thing, हम दोनों इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं कि यू नो सिर्फ एक बार देख के ही पता चल जाता है दैट वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम मी एंड ये क्या चाहता है कैसे हम परफॉर्म करें सीन्स में एंड इफ़ ही इज़ एंग्री इफ़ ही इज़ नॉट इन मूड एंड ये बहुत ही मजाकिया टाइप का इंसान है. ये इतना हंसाता है मुझे दैट यू नो मैं सेट पे आधे टाइम आई थिंक मनीष की वजह से ही हंसती हूँ. जब भी हमारे सीन्स होते हैं तो हम हंस ही रहे होते हैं. इनफैक्ट किसी सीन में भी नहीं हंसती. आई परफॉर्म सो लाइक एकदम प्रोफेशनली एकदम चुप होके दैट लोग पूछते हैं कुछ कि क्या हो गया यू ऑल राइट वाई यू अपसेट वाई यू सो क्वाइट. बेसिकली इतनी अच्छी बॉन्डिंग एंड आई विश कि ये हमेशा रहे. Do post your comments and tell us if you like this special segment and also share with us whom you would like to see next. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, I'm Manish Gurbani and you're watching me on India Forums. So please do subscribe on their YouTube link.